अस्सलामुअलैकुम गाइस, अभी मैं खड़ा हूँ जामा मस्जिद के पास, गेट नंबर 2 के पास। तो आज मैं इसका इस ब्लॉग में आपको दिखाऊंगा जामा मस्जिद के रौनक, रमज़ान की रौनक और मार्केट कुछ। तो मेरे साथ इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहे। जामा मस्जिद का मीना बाज़ार जो काफ़ी इस समय भीड़ दिख रहा है, अभी दोपहर का 4 बजने वाला है। सो इस समय काफ़ी भीड़ स्टार्ट हो गया है, भीड़ होना। रमज़ान का 21वां रमज़ान है और लोग यहाँ देख सकते हैं इबादत करके, रोज़ा रख के सब लोग अपने अपने जगह पर इस्तेमाल किए बैठे हुए सब इफ्तार के इंतज़ार में। यहाँ का इफ्तार का इंतज़ाम बहुत अच्छे तरीके से होता है। बहुत दूर दूर से लोग टूरिस्ट पर आते हैं जो जामा मस्जिद में ठहर के इफ्तार करते हैं। सो आज हम लोग आप देख सकते हैं मैंने खजूर दुकान में खड़ा हूँ और यहाँ का बहुत स्पेशल खजूर है, हर वैराइटी का खजूर है। जामा मस्जिद के अंदर में हूँ, देख सकते हो आप, और मैं आपको अभी जामा मस्जिद के कुछ आवाम से मैं आपको विजिट कराऊंगा एंड उनसे पूछूंगा इनके बारे में। सो एक्सक्यूज मी सर, क्या नाम है आपका और आप कहाँ से बिलोंग करते हो सर? एक्चुअली मैं औरंगाबाद बिहार से बिलोंग करता हूँ, यहाँ पे शाहीन बाग में रह रहा हूँ और IT सेक्टर में जॉब कर रहा हूँ। यहाँ कितना बार आपका आना हो जाता है? रमज़ान में मिनिमम 6 से 7 बार हो जाता है, क्योंकि रमज़ान का रौनक ही कुछ ऐसा है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। और यहाँ की मार्केटिंग का क्या सीन है, मतलब कैसा लगता है माहौल मार्केट? खासकर शाम में मगरिब के बाद जब अफ्तार कर लेते हैं लोग और नमाज़ अदा करने के बाद नीचे उतरिएगा तो मार्केट जो मीना बाज़ार है, मीना बाज़ार का अलग ही खूबसूरती है, पूरे दुनिया में फेमस है। यहाँ इफ्तार में तो ये पूरे एरिया भर जाते होंगे क्या? मस्जिद का जो आंगन है वो बिल्कुल भरा भरा सा, कहीं भी आपको जगह नहीं बचेगा, इतने ज़्यादा मतलब क्राउड हो जाते हैं लोग। वो इतना मोहब्बत है जामा मस्जिद से, वो आकर मतलब यहाँ सोचते हैं कि अफ्तार करें, रोज़ा खोलें, यहाँ पे यहाँ का अलग सुकून ही है। मतलब ये जो लोग दिख रहे हैं यहाँ पर, काफ़ी आवाम दिख रहे हैं साइड में, सो ये सब लोकल होंगे या फिर टूरिस्ट बाहर लोग भी? नहीं, अभी तो सब टूरिस्ट हैं, बाहर के ही अलग अलग बिहार इंडिया के स्टेट से आए हुए लोग हैं। कुछ लोग होते हैं जो ऐसे पाक महीना रमज़ान महीना में कुछ ज़्यादा लोग ही टूरिस्ट पर आते होंगे शायद। हाँ, रमज़ान के महीने में भी आते हैं, खास करके अभी थोड़ा सा गर्मी का टाइम है इसलिए। दुआ की रातें हैं, खुदा से बातें हैं, फरिश्ते आए हैं, उजाले छाए हैं, कि रमजान आया है, लो रमजान आया है, वो बरकत लाया है, कि रोशन जग का कोना कोना है। दुआ की रातें हैं, खुदा से बातें हैं, फरिश्ते आए हैं, उजाले छाए हैं, कि रमज़ान आया है, लो रमज़ान आया है, वो बरकत लाया है, कि रोशन जग का कोना कोना है। रहमत का
वसीला जन्नत का, इबादत हर सू है, हवा में खुशबू है। जमीन के दामन पर सितारे उतरे हैं, खुदा की बस्ती में उजाले बिखरे हैं। महकते सजदे हैं, चमकती पेशानी, खिली है चेहरों पर दिलों की तावानी। अजाने जागी हैं, बलाएं भागी हैं, शहर में गांवों में, और बरसी है खुशबू हवाओं में, के रमजान आया है, लो रमजान आया है, वो बरकत लाया है, के रोशन जग का कोना रमजान आया है, लो रमजान आया है, वो बरकत लाया है, के रोशन जग का कोना कोना है। रातें सहरी की रौनक बस्ती की, लगा है मेला सा जगाने वालों का। चरागाह घर घर है, सुहाना मंजर है, खुदा की रहमत का दुशाला सर पर है। मुकद्दर वाले हैं जो रोजा रखते हैं, जो आंखें रोती हैं, दिलों को धोती हैं। इबादत होती है, तिलावत होती है, अकीदत सुनती है, दिल को बहुत ज़्यादा टेस्टी है। इसमें पी के आप जाकर सर भर।